नमस्कार जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट तरीके से। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर 31 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। झारखंड में कुटीर उद्योग की तरह फल फूल रहा जहरीली शराब का कारोबार, पुलिस और उत्पाद विभाग पर उठ रहे हैं सवाल। झारखंड कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल का भरोसा, ए हेल्प के जरिए राज्य की 2000 पशु सखियों से झारखंड के गांवों में आएगा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। वन भूमि में अवैध तरीके से डिबरा का उत्खनन करते 3 व्यक्ति गिरफ्तार, जेसीबी और शक्तिमान ट्रक भी जब्त। हाईकोर्ट ने पूर्व अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह तथा निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फिर से नोटिस जारी करने का दिया निर्देश। 15वीं आदिवासी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत चतरा से 20 सदस्यीय दल चंडीगढ़ रवाना। सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड मामले में विधायक शशिभूषण मेहता समेत 6 लोगों को नोटिस जारी करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। रामगढ़ में आगामी त्योहारों को लेकर फुटपाथ दुकानदारों पर जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अडानी समूह से बिजली खरीदने को लेकर JBVNL सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट, बिजली खरीद की जरूरत और शर्तों की है मांग। धनबाद में रेलवे यार्ड में सफाई कर्मियों की हड़ताल, ट्रेनों की साफ सफाई का काम पूरी तरह से ठप। TPC उग्रवादी के इशारे पर सावित्री फ्यूल पेट्रोल पंप की गई फायरिंग, 2 आरोपी गिरफ्तार। चतरा में कानूनी जागरूकता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाली प्रभात फेरी। 7 DSP समेत 12 पुलिस अधिकारी सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा में हुए फेल। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी की सड़कें रहेगी अतिक्रमण मुक्त, रांची पुलिस चला रही है अतिक्रमण हटाओ अभियान। NH-75 लोहरदगा के कुंडू से उदयपुर सेक्शन की सड़क की होगी मरम्मत, टेंडर हुआ जारी। 4 महीने बाद भी अबरक के सैंपल की नहीं मिली जांच रिपोर्ट, अबरक उद्योग को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास को लग रहा है ग्रहण। कोयला कर्मियों को आज मिलेगा सितंबर महीने का वेतन, जबलपुर डबल बेंच के आदेश के बाद मिली राहत। रतन हाइट्स मामले में हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई, 1 नवंबर को पुराने बिल्डर नरेंद्र बुटाला को नोटिस हुआ जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन का हुआ फरमान जारी, टेलीफोन से बताना होगा हुजूर हम ऑफिस में हैं। धनबाद के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर लगी रोक, विशेष मामलों में भी नहीं मिलेगी छुट्टी। गिरिडीह में रविवार शाम महिला से हुई 8 लाख के गहने की ठगी, मामले में पुलिस को नहीं मिला अब तक कोई भी सुराग। सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही, परिवार पर पड़ी भारी, मिट्टी काटने से बने गड्ढे में डूबने से हुई मासूमों की मौत। हाईकोर्ट का आया निर्देश, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को फिर जारी करें नोटिस, ये भी सिकंजे में। दिहाड़ी मजदूर के खाते में 81.84 करोड़ का ट्रांजैक्शन, IT ने भेजा आय से अधिक संपत्ति का नोटिस। बाबूलाल मरांडी ने गवर्नर को लिखा पत्र, कहा झारखंड में सिस्टम फेल, राष्ट्रपति शासन लगाएं। चीट फंड कंपनी DGN के संचालक राम किशुन को नहीं मिली बेल, CBI कोर्ट में याचिका खारिज। चंदन क्यारी में चोरों का आतंक, बीती रात ले उड़े 2 लाख के गहने, नकदी भी चुराई।